समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे हैं ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले हैं। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण, श्रमजीवी बुद्धिजीवी ये सारे शब्दों से परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढवा बता देते हैं, देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे इसके लिए हम सबको। और ये उनकी ताकत है, उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं, और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा।